नमस्ते, मेरा नाम शोभा राव स्माइल मेकर है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरे प्यारे शहर मैंगलोर के बारे में जान पहचान कराना चाहूँगी। मैंगलोर इस कर्नाटका का एक अनोखा शहर है जो ब से शुरू होने वाले बैंगलोर से काफ़ी अलग है। तो स्वागत है आप सबको मज़ेदार मैंगलोर में। समुद्र के किनारे वाला यह शहर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कन्नड़ा में मंगलुरु, तुलु भाषा में कुडला, कोंकणी भाषा में कोडियल से जाना जाता है। मैंगलोर पहुंचने के विभिन्न तरीके हैं। आप हवाई जहाज से इस शहर के टेबल टॉप रनवे पर आ सकते हैं या फिर हसीन वादियों से गाड़ी में पहुंच सकते हैं, या आप कांच के छत वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी में प्रयाण करके मैंगलोर पहुंच सकते हैं। काफी अंतरराष्ट्रीय नाव भी मैंगलोर को आते हैं। इस अद्भुत शहर के एक तरफ है पश्चिम घाट के पहाड़ी दृश्य, दूसरी तरफ कोंकण तट के आकर्षक समुन्दर, और इस शहर के बीच बहती है दो नदियां नामक नेत्रावती और गुरपुर। हम्पनकट्टा नामक शहर के केंद्र में एक प्राचीन कुआ, टाउन हॉल, नेहरू ग्राउंड्स, क्लॉक टावर, कार्यालय, मॉल, होटल, उत्कृष्ट अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और कई बैंक हैं जो यहाँ उत्पन्न हुए थे। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला स्वतंत्र सेनानी रानी अबक्का है? इन्होंने मैंगलोर किले में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब जो बचा है वो सुल्तान बतेरी वॉच टावर है, जिसको टीपू सुल्तान ने हथियारों के गोडाउन की तरह इस्तेमाल किया था। ऐसा कहा जाता है कि मैंगलोर की प्रसिद्ध कदरी मंदिर वही जगह है जहां भगवान परशुराम ने भगवान शिवजी की खूब तपस्या की। उन्होंने समुद्र से इस तटीय भूमि को पुनः प्राप्त किया था, इसलिए नागबना में नाग पूजा करना यहाँ आम बात है। यहाँ के कुडुपू या सुब्रमण्य जैसा नाग मंदिर को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। नागमंडल नामक एक अद्वितीय अनुष्ठान में भाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ के कई प्राचीन मंदिर हैं, इनके विशिष्ट शैली और पारंपरिक उत्सव या अनुष्ठानों बहुत लोगों को मंदिरों की ओर आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान मैंगलोर शहर प्रकाश से चमक जाता है। यहाँ गीत, भव्य नृत्य और टैबलोस का बड़ा प्रदर्शन होता है। बूथाकोला यहाँ के रंगीन आत्म पूजा का अनुष्ठान है। इसमें सभी समुदायों शामिल होते हैं। यहाँ पटाखा शो आमतौर पर एक प्यारी मुस्लिम परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है। ये लोग पहली शताब्दी के अरब व्यापारियों के वंशज हैं। बंदर क्षेत्र के आसपास आप मछुआरों की गतिविधि देख के और देश के सबसे पुरानी मस्जिद का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कई खूबसूरत चर्च भी है। अलोयशियस चैपल के फ्रेस्को पेंटिंग बहुत कमाल का दृश्य है। मिशनरियों ने मैंगलोर के विकास के लिए शिक्षा, प्रिंटिंग प्रेस, कॉफी क्यूरिंग, टाइल बनाना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है। कदरी पार्क और पिलिकुला निसर्गदामा देखने लायक है। यहाँ के आर्टिसंस विलेज प्रतिभाशाली स्थानीय कारीगर के पारंपरिक कौशल को जीवित रखता है। यहाँ के सामुदायिक घर को गुत्तु मने कहते हैं, जो प्राचीन जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। मैंगलोर के सड़कों पर टहले और एक दूसरे के बगल में नई आलीशान अपार्टमेंट या पुराने घर जरूर देखें। अपने नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए यहाँ के स्वादिष्ट स्थानीय शाकाहारी या मछली के विशिष्ट वस्तुओं को जरूर चखें। गड़बड़
और अन्य आइसक्रीम के लिए आइडियल आइसक्रीम पार्लर को जरूर जाइए। हो सके तो टॉडी बार जाइए या मैंगलोर के क्लबों में अतिथि के रूप में आराम करें। कंबला जैसे स्थानीय खेल देखें, जहां बैल कीचड़ वाले पटरियों पर दौड़ते हैं या फिर मुर्गा लड़ाई भी देख सकते हैं। चन्ने मन्ने यहाँ का एक प्राचीन खेल है। आप यक्षगाना प्रदर्शन देख सकते हैं, जहाँ कलाकार अपना श्रृंगार स्वयं करते हैं। पीतल या तांबे की वस्तुएं, मसाले, आचार, थाड़ के गुड़, कटहल या आम की वस्तुएं, साड़ी और बहुत कुछ यहाँ खरीद सकते हैं। यहाँ कहीं नेचुरोपैथी, योगा या आयुर्वेदिक सेंटर्स है, जिसमें आप डिटॉक्स कोर्स में भाग ले सकते हैं। मैंगलोर के बस ऑपरेटर्स की प्रशंसा करें, जो जोरदार गर्मी या बारिश के मौसम के बावजूद सही समय के साथ कुशलता से काम करते हैं। मैंगलोर के आसपास आप दिन के यात्राएं करके बहुत देख सकते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा मंदिर स्थल, तुलु संग्रहालय, जैन पसड़ी, ट्रैकिंग या वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैंगलोर में देखने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। ये जगह आधुनिक सुविधा के साथ प्राचीन संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण है। मुझे यकीन है कि आप मैंगलोर आने के लिए प्रेरित हैं। जल्दी यहाँ मिलते हैं और मुस्कुराते हैं। शुक्रिया।